यार निधा, कम से कम तुम तो समझने की कोशिश करो। क्या समझू मैं? हाँ, क्या समझू, बस इतनी सी अहमियत थी मेरी। एक घंटे में आनन फनन हुआ था फैसला। सारी रात गुजर गई और आपने मुंह से भाप तक नहीं निकाली। क्या खाक भाप निकालता, आते ही अब्बा ने मेहमानों का बम बरसा दिया मुझ पर। तुम्हें बताने का मौका ही नहीं मिला मुझे। तैने कहानी करवाया, कोई बैंक लूट लिया हमने और कोई मुंह फुलाए बैठा हुआ। आके देख लो, इनका भी पारा हाई है। सवाल ही पैदा नहीं होता। एक भाभी तो सेंसिबल है हमारी फैमिली में, वो तो समझ जाएंगी ना हमारी मजबूरी। तुम अपनी बटर फैक्ट्री का गेट ना बंद रखो, कोई जरूरत नहीं है मुझे उसकी। अल्लाह की कसम है भाभी, इतनी कोशिश की थी आपको बताने की, लेकिन जब भी ट्राई करता था ना, कोई ना कोई टपक पड़ता था बीच में। तुम लोगों को अंदाजा है, अम्मी को जब पता चलेगा तो क्या होगा, वो तो कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगी इस रिश्ते को। मैं तो जा रही हूँ शर्जी भाई के घर। पानीपत का मैदान सजा हुआ है, वहाँ आदम खोर बनी हुई है मानो और उसकी वालदा माजदा, एक ही वाले में हड़प कर लेंगी आपको। तुम बच गए मानो के हाथ से? हाँ, तो जान बचा के ही निकला हूँ ना। बेहतर यही होगा आप भी दो चार दिन यहाँ सुकून से किसी अलमारी में जाके छुप जाए। हाँ, फराज भाई समझाए ना यार इन्हें। बस एसपी ठीक कह रहा है कि अभी जाना दानिशमंदी नहीं होगी। एक मिनट। हेलो जी, कबीर बोले। क्या पारा आया तन्नो भाभी का, तो मैं क्या करूँ, पानी की बाल्टी भर के डाले उन पर ठंडा करें। पहले तो बड़े चांद सितारे तोड़ने की बातें कर रहे थे, अब बहन के कमरे का लॉक भी नहीं टूट रहा। क्या हुआ, मुझे क्यों देख रहे हो, इधर उधर देखो। अम्मी प्लीज दरवाजा खोलो ना, ऐसे थोड़ी मसले का हल निकलेगा। जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ, नहीं करनी मैंने किसी से बात। आपी प्लीज। अम्मी कुकू मामू आपसे बात करना चाहते हैं। अरे भाई तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि ये औरत अपनी जिद की गुलाम है। बाबा 2 घंटे हो चुके हैं। बेटा सारा दिन भी खड़े रहोगे ना तो दरवाजा नहीं खुले। फिर कुछ नहीं, जाके खाना वाना खाओ, शाम तक हो जाएगी सेट। आप तो खफा नहीं है ना मुझसे? अरे मैं तुम्हारा या बिट्टू का दुश्मन नहीं, अगर ऐसी कोई बात थी तो मुझे बताते, मैं कोई बीच का रास्ता निकाल लेता। खैर अब जो होना था वो हो गया, लकीर पीटने से फायदा कोई नहीं। मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा, बस एक बार तन्नू आपके को सेट कर दे प्लीज। अच्छा तुम जाके सुकून करो, करता हूँ मैं कुछ। क्या सुकून करो, इधर तन्नू आपी, उधर मुन्ने भैया कामों में नहीं आ रहे, पता नहीं मेरी रुख्सती होने देंगे भी या नहीं। मुन्ने को क्या तकलीफ, कि मैं आपका साला हूं। अगर ये बात है ना तो अब मैं देखता हूँ कि कैसे नहीं होती मेरे साले की धूमधाम से रुख्सती। बस एक दूसरे की जिद में ही सारे काम करते रहिएगा आप लोग। अम्मी मैं हूँ, दरवाजा तो खोल दे। लेगी मेरे भाई को पिटो, पेड़ा तर जाए। आप क्या दवाइयों के फक्के पे फक्के मारे जा रहे हैं? तो और क्या करूं, चुटकी भर जहर है तो ला दो कहीं से। अल्लाह ना करे मरे आपके दुश्मन, वैसे ये चुटकी शुटकी से कुछ नहीं होता, आप कहें तो चटाक भर मंगवाऊं। हजार बार का ये जुगते मत मारा करो मेरे साथ, पहले ही मेरा दिमाग खराब हो रहा है निकाह का सुन के। मुनीर जी आपकी तो ऐसी मत मारी जा रही है, सर अपने दिमाग को कूल करके इजी होकर ये सोचे अल्लाह ने बेहतरीन रास्ता निकाला है हमारी बिट्टो के लिए। इस रास्ते में तन्नो भाभी नागिन बन के बैठी हुई है, ऐसा डंक मारेंगी कि नीलो नील हो जाएगा पूरा खानदान। फिर आप हमारे कुकू को नहीं जानते, अपने पर आया ना तो न्योला बन जाएगा, दे देगा अपनी बहन को मत्था। हम तो ना दे सके भाई, हमें तो लिहाज ले डूबा कि बड्डी पर जाइए, और उससे भी बड़ी बात ये कि दिन रात हमायत का परचम तो अब्बा जी लहराते रहे ना उनका। हाँ लहरा लिए जितने झंडे लहराने थे, आज रात तक बहुत से लोगों के बोरिया बिस्तर गोल हो जाएंगे। मैं तो कह रहा हूँ कि अभी भी वो गेस्ट रूम खुलवा के सफाई करवा दो उसकी। वो देखो, अरे कहाँ भाग रहे हो, इधर आओ। आओ जी तशरीफ लाओ गवा साहब। खुदा की कसम मैंने कुछ नहीं किया, हाँ सारा किया धरा अब्बा मियां और फराज भाई का है।
ज्यादा से आना काना बन। जो ये बता, ये खबर पहुंच गई शरीका के घर? पहुंच गई है, मातम भी शुरू हो गया वहां तो। काश मैं पट से आप लाइव देख सकती। अम्मी अपनी ये हसरत है ना, जरा दबा के रखे प्लीज, और खुदा का वास्ता बिट्टू आपा को कहे कि यहाँ चार दिन सुकून से बैठी रहे। बात आई अम्मी, गॉडज़िला बन के फैली होंगी।